गैस हम हमारे डेली लाइफ में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि देर रात बाहर मत जाओ जब बहुत ज़रूरी ना हो, किसी से मत लड़ो जब तक बेहद ज़रूरी ना हो, पैसा मत खर्चा करो जब तक बेहद ज़रूरी ना हो, कहीं मत जाओ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। सो गैस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में लिखने के लिए स्ट्रक्चर जानना बेहद ज़रूरी है। सो इसका स्ट्रक्चर है, पहले आपको लिखना पड़ेगा डू नॉट या फिर डोंट, आप लिख सकते हैं कंडक्टर फॉर्म में। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको फ्रेज यूज़ कर देनी है अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देर रात बाहर मत जाओ जब बहुत ज़रूरी ना हो। डोंट गो आउट एट लेट नाइट अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। Don't go out at late night unless it's absolutely necessary. औरों से अपने विचार साझा मत करो जब तक बहुत जरूरी ना हो। Don't share your ideas with others unless it's absolutely necessary. Don't share your ideas with others unless it's absolutely necessary. पैसा मत खर्चा करो जब तक बेहद जरूरी ना हो। Don't spend money unless it's absolutely necessary. Don't spend money unless it's absolutely necessary. किसी से मत लड़ो जब तक बेहद ज़रूरी ना हो। Don't fight with anyone unless it's absolutely necessary. Don't fight with anyone unless it's absolutely necessary. कहीं मत जाओ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। Don't go anywhere unless it's absolutely necessary. Don't go anywhere unless it's absolutely necessary. अपने गुप्त बातों को साझा मत करो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। डोंट शेयर योर सीक्रेट थिंग्स अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। डोंट शेयर योर सीक्रेट थिंग्स अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी।